सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कार ट्रेड लिमिटेड और न्यूवोको विस्तास लिमिटेड के आईपीओज में पहले दिन तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार ट्रेड लिमिटेड के आईपीओ की। देखिए, इस आईपीओ में अगर पहले दिन तक के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 0.01 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। वहीं एनआईए कैटेगरी की बात करें तो 0.03 टाइम्स इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यानी खाता दोनों का खुल गया है, लेकिन उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। एक बात यह भी है कि भाई, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन तीसरे दिन ही देखने को मिलता है, तो यहां पर इतना कम सब्सक्रिप्शन हुआ है, यह चिंता वाली बात है। लेकिन इसमें सब्सक्रिप्शन ज्यादा की बात है तो वो आपको तीसरे दिन ही देखने को मिलेगा, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 0.79 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, और अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.41 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। अब देखिए, यहां पर रिटेल कैटेगरी में काफी कम सब्सक्रिप्शन आज के दिन देखने को मिला है, और देखिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दूसरे आईपीओ थे उनसे काफी कम इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन होने की उम्मीद है। तो अगर आप केवल अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई आपको अलॉट हो जाए, देखिए मैं आपको बता दूं, कार ट्रेड लिमिटेड का जो आईपीओ है, मैक्सिमम जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम 750 रुपए के आसपास था और अभी 300 रुपए के आसपास चल रहा था, तो ये कंफर्म है कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन थोड़ा बहुत तो जरूर मिलेगा। तो आपको यहां पर अलॉटमेंट भी काफी आसानी से, यानी कि दूसरे जो आईपीओ है उनसे आसानी से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की संभावना है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए, यानी कार ट्रेड लिमिटेड का जो आईपीओ है उसमें आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिस्टिंग गेन तो आपको थोड़ा बहुत मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको कम से कम अलॉट तो हो जाएगा जो आपको अलॉट नहीं होते हैं आईपीओ। और यहाँ पर देखिए, कार ट्रेड लिमिटेड के आईपीओ में मेरी अप्लाई करने की सलाह रहेगी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी में तो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है न्यूवोको विस्तास लिमिटेड का आईपीओ, और इसमें सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 0.09 ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। वहीं एनआईए कैटेगरी में 0.01 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि इन दोनों ही कैटेगरीज में एक में ओपनिंग हुई है और एक में यहाँ पर अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों ही कैटेगरीज में लास्ट दिन ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, ये सही बात है, लेकिन पहले दिन थोड़ा बहुत तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, तभी तो इसमें कुछ भी यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। तो इस आईपीओ में थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन इसलिए भी जाता है क्योंकि देखिए यहां पर प्रीमियम भी काफी कम है और इन दोनों ही कैटेगरीज में काफी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 0.30 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल कैटेगरी के लोगों ने भी इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है। हालांकि आईपीओ थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण यहां पर आंकड़ों में आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि करीब 5000 करोड़ के आसपास का यह आईपीओ है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.15 टाइम्स यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि दूसरे जो आईपीओ हैं उनसे काफी कम यह आईपीओ सब्सक्राइब होगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एग्रेसिव निवेशक हैं, एग्रेसिवली आईपीओ में अप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे ओपन होने के बाद आप एवरेजिंग या फिर होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर केवल और केवल अच्छा लिस्टिंग गेन चाहते हैं या फिर लिस्टिंग गेन उनको मिले, उनको लगता है, तो फिर उनको शायद इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम मात्र 14 रुपये के आसपास चल रहा है और अगर हम इसका इशू प्राइस देखें तो 570 रुपये के आसपास है, यानी कि 2-3% के प्रीमियम के लिए आप क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो ये नेगेटिव पर भी लिस्टिंग दे सकता है। तो ये इस आईपीओ की हालत है, और यहाँ पर हम सारी अपडेट आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू रहता है। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।